तरह तरह की भैंस देखिए आप लोग के सामने दिख रही है। और ये जो भैंस है, हम शुरुआत कर रहे हैं बलिस्टर यादव जी के यहाँ से। नमस्कार चाचा। नमस्कार। बड़ी टाइट होकर कड़क बोलिए ना। नमस्कार। हाँ, आज आज का जो दिन है वो है सोमवार। सोमवार, कल को दिन मंगलवार। मंगलवार। तो आज आप बताइए कितने भैंस लाए हैं? आज हमारा चार गो भैंस है। चार गो भैंस है। सबसे अच्छी भैंस दिखाइए सबसे पहले। सबसे अच्छी दिखाइए। 14 लीटर दूध है। 14 लीटर। भैंस के चाल ढाल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, इसका जो ये पुट्ठा है ये काफ़ी चौड़ा और एकदम ब्लैक, पूरा चिकना है। और जो थनों की बनावट हम देख रहे हैं, ठहरिए ठहरिए एक मिनट, भैंस को ना भगाइए, बांधिए ले चलिए। इसके नीचे जो दूध है वो कितना होगा चाचा? माथे पे तिलक लगाए हैं, झूठ नहीं बोलने का आज। 7 लीटर। ये कौन सा बयान में होगी? तीसरा। इसके नीचे जो बच्चा है अभी मौजूद, कितने रोज का हो गया पाना? 3 दिन का है। इधर आइए, अच्छे तरीके से इसका जरा वो कीमत बता दीजिए। दाम 1,30,000 है। 1,30,000? तुम वो तो मांग रहे हैं ना। देने का पर 1,00,000 पर हो जाएगा। बहुत महंगी भैंस की नया है, 14 लीटर दूध है। आप बोल रहे हैं कि भैंस बहुत महंगी खरीदी गई है, कितना महंगी खरीदी गई है? 1,00,000 पर किना है। 1,00,000 पे ही दे देंगे? वही में 10-5 एने ओने। एने ओने 30,000 से मांगता है नहीं। अच्छा, कितने तक हो जाएगा लास्ट वाला की? 1,00,000 से नीचे ना बेचेगी। यानी 1,00,000 आपका बधा हुआ है कि हम 1,00,000 से कम में देंगे नहीं? गिराना देते रहें जैसे वही खरीदा लो छो होला। अच्छा अच्छा, यानी 1,00,000 की कीमत में ये भैंस है। ऊपर नीचे हो सकता है ना? हाँ, नीचे ऊपर हो जाए। अच्छा, दूसरी भैंस को दिखाइए। यानी आप ये कह लीजिए कि 1,00,000 की कीमत में ये भैंस, दूध अगर आ जाए 90 पे भी हो जाएगा। 14 लीटर दूध ऊपर दे नीचे ना दे। अच्छा, 14 लीटर दूध बताया जा रहा है इस भैंस का, और बोल रहे हैं कि 90,000 भी हो जाएगा इसका कीमत। और हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि मेला मंडी का जो भी सिस्टम होता है, जो हिसाब किताब होता है, वो कोई पक्का वाला नहीं होता है। जब मौके पर कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँच के दाम काम करेगा तभी जाके कीमत कम होगा। बांध दीजिए, वो अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रही है। ओहो, इसके चाल ढाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। छोड़ दीजिए आराम से, बस ठहर जाइए। बांध दीजिए। इसके नीचे जो बच्चा है ये क्या है? बच्चा पढ़िया है। 5 रोज की पढ़िया है। इसके नीचे जो दूध है वो कितना है? 10 लीटर। 10 लीटर दूध है। दोनों ग्राम मिला। बयान बता दीजिए। तीसरा है। तीसरे बयान की है। इसका कीमत जरा बताइए। कीमत है कर 82,000। मौका पर 70,000 पे होगी। 70-72 मौके पर अगर कोई व्यक्ति आए तो 70 के आसपास। 72 हो जी। हो जाएगा। अब हमें बहुत तिलकी बनाना जल्दी होले वाला। 70 के आसपास हो जाएगा।
यानी आप कह सकते हैं कि ये 70,000 की कीमत में। ये गाभिन भैंस है। अच्छा, इसकी चाल ढाल में कोई कमी तो नहीं ना है? अच्छा, भड़कीले स्वभाव की है क्या? भड़कीले स्वभाव की है। वो बोल रहे हैं कि इस तरह ही दिखा दीजिए। तो जरा बताइए ये कौन से बयान में होगी? दूसरा। बच्चा देने में भी कितना समय लगेगा इसको? 15 दिन। इसका कीमत क्या होगा? कीमत देने वाला जरा बताइए। 60,000 को हो जाए। 60,000। बहुत से भाइयों का दूध 8 लीटर बहुत पिछला जो दूध का रिकॉर्ड है 8 लीटर। बहुत से भाइयों का सवाल ये होता है कि भैया भैंस महंगी है, सस्ती दिखाओ, कहाँ से सस्ती लाए? आप इस मेला मंडी के ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके यहाँ सबसे सस्ती से सस्ती भैंस मिलती है। सस्ती सस्ती भी है सब कुछ। और हम इसीलिए इसी उम्मीद में आते हैं कि जिन भाइयों को सबसे सस्ती भैंस लेना हो इनके यहाँ मिलेगी, क्योंकि आपके मुकाबले में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ सस्ती भैंस मिले। इसीलिए हम आपका वीडियो यहाँ पे आकर के कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं। तो इसका जो फिक्स कीमत होगा वो कितना होगा? 60,000। उसमें भी माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा माइनस, कम हो जाएगा ना? 4,000-5,000 कम हो जाएगा जी। ये चौथी भैंस को दिखाइए। ये देख लो, चाल ढाल में कोई कमी तो नहीं ना? ना देख, चाल ढाल में एकदम ओके। अच्छा, बच्चा पानी दे दिया। अच्छा, इसके नीचे जो बच्चा है पड़िया पानी है। बहुत से भाइयों का ना कुछ सवाल जवाब ऐसा होता है कि चारे में क्या होता है, तो हम उन लोग को ये बता देना चाहते हैं कि इधर जो है चारा कुछ खास नहीं होता है, रूखा सूखा भूसा ही होता है। उसमें थोड़े बहुत आटा, थोड़े बहुत चोकर, ठीक है ना? कि एक भैंस को कितना मिलता होगा ज़्यादा से ज़्यादा? 2 किलो के आसपास। वो भी बेचने वाले कोई व्यक्ति रहता तभी खिलाता है, इस तरह कोई खिलाता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। जब उन्हें लगेगा कि नहीं पशु को बेचना है, अच्छा दाम लगे, तो उसे कुछ अच्छा डाइट दिया जाता है ताकि उसके सेहत पे असर आए। लेकिन ये सब ग्रामीण क्षेत्र से भैंसें आई रहती है जो कि बहुत ही नॉर्मल खाने पे रही रहती है, कुछ खास इन लोग का चारा नहीं रहता है, रूखा सूखा ही भोजन होता है। रूखा सूखा जो हम लोग की तरफ चलता है पुआल वगैरह का, वही सब खा के रहती है भैंसें। और इसके नीचे जो बच्चा हमें बताया गया है ये पणिया बताया गया है। कितने रोज की पणिया है ये? 10 रोज की पणिया है। दूध जरा बताइए कितना होगा? दूध 8 लीटर। जो थनों की बनावट है, थनों की बनावट में कोई व्यक्ति नहीं इसे छाँट सकता है, एक समान दूरी के साथ, एक समान लंबाई के साथ है। सिर्फ चारों थनों से दूध आना चाहिए एक बराबर। इसका कीमत क्या होगा? अगर कीमत मांगता नहीं 80,000। देने वाला बताइए, लोगों को भड़काइए नहीं। 70-72 पर कुछ कम हो जाए? कम हो जाएगा, 2-4-5 हज़ार कम हो जाएगा, मतलब वही 60 रुपये के आसपास। हाँ, 60-62। बाकी दशावर पणिया है, सीम मात के सुगर। और देखिए कल का दिन जो है मंगलवार है, कल का दिन मेला मंडी है। और देखिए इस तरह से भैंसे सब आ चुकी है मेला मंडी में, और धीरे धीरे सुबह के वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा की संख्या में भर जाएगी भैंसें। और जिद पे हट्टी स्वभाव के जो हमारे घर के आए हैं एक नए मेहमान, का नाम है? यस बाबू हैं, जो कि एक वीडियो शायद पीछे देखे होंगे, उसमें हाथी घोड़े ऊँट दिखाई दे रहे होंगे। वो देखने के लिए आ गए थे पशु मंडी में। और कल का जो दिन है महावीरी झंडा भी निकलेगा, लेकिन कोई खास मेले पे कुछ असर नहीं आएगा उसकी वजह से। पशु मंडी उसी तरह चलेगी जिस तरह बराबर चलती है। Gracias.